आइए फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नींद और मानसिक समस्या के बारे में। क्या होता है कि नींद का और मानसिक समस्या या मानसिक बीमारी का बहुत ही करीब का रिश्ता है। और सबसे पहले प्रॉब्लम किसी को यदि आता है तो वो नींद का आता है और बाद में मानसिक बीमारी की शुरुआत होती है। तो चलो देखते हैं कि मानसिक बीमारी और नींद इसका क्या रिश्ता है और क्या होता है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह हमारे दो हॉस्पिटल हैं जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को हजारों के साथ में भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। कोई भी मानसिक बीमारी लोग सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो नींद का। एक तो नींद बहुत ज़्यादा आएंगी या फिर नींद कम आएगी। स्किज़ोफ्रेनिया देखते हैं। अब स्किज़ोफ्रेनिया जो है छिन्न मानस तथा पागलपन के दौरे जो आते हैं उसमें नींद लोगों को डिस्टर्ब आती है, नींद जल्दी आती नहीं है, रात को नींद खुल जाएंगी या सवेरे जल्दी खुल जाएंगी और व्यक्ति सोता ही नहीं है और पूरा जागते रहता है, आँखें खुली है और कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, बड़बड़ करेगा, इधर से उधर घूमेगा और नींद लेगा नहीं या गद्दी के ऊपर करवटें बदलते रहेगा और नींद आती नहीं है, सबसे पहला प्रॉब्लम उसको दिखाई देगा। डिप्रेशन ये जो बीमारी है इसमें होता क्या है कि डिप्रेशन में एक तो नींद जल्दी लगती नहीं है, मतलब गद्दी पर लेटने के बाद में करवटें बदलते रहो, घंटा दो घंटे के बाद में नींद लगेगी और फिर देरी से खुलेंगी सुबह, या फिर जल्दी नींद लग जाएगी और सुबह जल्दी खुल जाएगी। सवेरे आप मतलब जो व्यक्ति है वो 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे उठ जाएगा और उठने के बाद में उसको एकदम ऐसा भयान लगता है, मतलब ऐसा उदास लगता है और ठीक नहीं लगता उसको, या फिर वो बोलता है कि मेरी नींद हुई नहीं, मतलब 6-8 घंटे सोने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि मैं जाग रहा था, काफ़ी सारे सपने आ रहे थे और मेरी नींद हुई नहीं, या फिर नींद उचाट रहती है, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है और वो उठते जाता है। कभी कभी डिप्रेशन में व्यक्ति ज़्यादा सोता है, मतलब वो 6-8 घंटे के बदले 10-12 घंटा 14 घंटा, मतलब ज़्यादा नींद आएगी, ज़्यादा सोएगा, वो भी हो सकता है। मैनिया की बीमारी जो है उन्माद तथा हर्षवायु, इसमें होता क्या है कि इसमें कम नींद लेता है व्यक्ति, घंटा दो घंटे तीन घंटे सोता है और उसके बावजूद भी उसको बहुत ही फ्रेश लगता है, बहुत ज़्यादा बड़बड़, बहुत ज़्यादा बातें करना, घूमना फिरना, खरीदी करो, इधर जाओ उधर जाओ, फ़ोन कॉल करो, बहुत ही एक्टिव, और हमको ताज्जुब लगता है कि घंटा दो घंटे सोने के बाद में इतना व्यक्ति एक्टिव कैसा है। रात को लेट सोएगा, सुबह जल्दी उठ जाएगा, हार्डली घंटा दो घंटे सोएगा और बहुत एक्टिव रहता है। तो मैंने में नींद नहीं आने का प्रॉब्लम रहता है और बहुत एक्टिव रहने का प्रॉब्लम रहता है। बाकी जो है एंग्जाइटी डिप्रेशन, मतलब चिंता रोग है, फोबिया है, मतलब डर की या दुर्भीति है या भयगंड है, हिस्टेरिया हो या फिर साधा डिप्रेशन हो, नर्वस डिप्रेशन या न्यूरोटिक डिप्रेशन हो, इसमें भी नींद का प्रॉब्लम रहता है और नींद उनको लगता है कि नींद हुई नहीं, ठीक से हुई नहीं, समाधान नहीं हुआ, फ्रेश नहीं लगा, ऐसा उनको लगता है। फिर इसके लिए डॉक्टर दवा देते हैं। अब दवा देके होता क्या है कि दवा नींद की दवाई काफ़ी सारी है जिसमें उनको नींद, मतलब बीमारी की कोई भी आप दवा ले लो मेंटल बीमारी की, उसमें नींद का असर तो आएगा ही, तो वो दवाई से नींद आएगी या फिर डॉक्टर लोग सिर्फ नींद की दवा देंगे कि नींद आने दो भाई उसको, नींद एक बार आ गई तो अच्छा हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि नींद की दवाई लेने के बाद में उसकी लत लग जाती है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते नींद की दवाई लेने के बाद में अभी एकदम सडनली दवाई बंद कर दिया, एकदम एकाएक बंद कर दिया, तो उसको फिर से नींद नहीं आती, तो दवाई फिर ग्रेजुअली विड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है, नींद की गोली लिया। अब नींद की गोली लेने से वो शांत तो हो गया मगर उसको कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है, और कन्फ्यूजन मतलब उसको समझता नहीं अपन कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और वो इधर उधर घूमेगा, उसको ऐसा लगेगा मैं ऑफिस में हूँ या मंदिर में हूँ, पूरा डिसओरिएंटेड रहेगा और उसको समझेगा नहीं अपन कहाँ है, और कभी कहीं भी टॉयलेट कर लेगा और ऐसा कन्फ्यूजनल पिक्चर उसको आता है, मतलब नींद आएगी नहीं, और गोली लेने के पहले तो भी अच्छा था ऐसा लोगों को लगता है, गोली लेने के बावजूद भी तकलीफ वाली हो गई।
तो नींद की दवाई फिर ऐसे लोगों में कन्फ्यूजनल पिक्चर चालू कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद के लिए दवाई दिया और वो व्यक्ति बाद में भूल जाता है कि मैंने नींद की दवाई लिया, नींद नहीं आ रही है, क्योंकि समझो नींद की दवाई लिया और उसके बाद में वो टीवी देखता रहा या कोई एक्टिविटी करता रहा तो नींद आती नहीं है, और फिर उसको लगता है कि मैंने दवाई नींद की लिया ही नहीं है तो और दवाई लेता हूँ, और दवाई ले लिया तो जाता है वो कन्फ्यूजनल स्टेट में, मतलब अभी नींद ज़्यादा आने के बदले भी नींद आएंगी नहीं और प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे अलग 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 प्रॉब्लम है, इसलिए नींद का जो प्रॉब्लम है उसके लिए कंसल्टेंट को ही कंसल्ट करना जरूरी है, डॉक्टर लोगों की सलाह से दवा लेना जरूरी है, क्योंकि अपने मन से दवा यदि लेते रहे तो उसका प्रॉब्लम आता है, उसका एडिक्शन हो सकता है, कन्फ्यूजनल स्टेट आएगा, कभी कभी डोज का ओवरडोज हो गया, मतलब नींद ज़्यादा लेना चालू हो गई, मतलब ज़्यादा आना चालू हो गया, या फिर कभी ज़्यादा ले लिया, गोलियाँ ज़्यादा ले लिया कन्फ्यूजन के मतलब कन्फ्यूजन हो गया इसके लिए, कभी ज़्यादा गोली ले लिया, दो गोली, चार गोली, पाँच गोली, आठ गोली, दस गोली, सब 10 गोली खाते रहता और उसको याद नहीं रहता कि मैंने गोली खाई, तो उसका ओवरडोज हो गया, वो बेहोश भी हो सकता है। नींद की गोली खाने से मर गया ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नींद की गोली बहुत ज़्यादा भी खा लिया तब ये होगा क्या कि उसको नींद बहुत ज़्यादा आई, उसको भर्ती करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा ICU में, और बाकी उसको यदि प्रॉब्लम्स की यदि मतलब उसकी यदि चिंता कर लिया, केयर ले लिया, तो ज़्यादा इनकी गोली खाने से मरेगा नहीं, उसको झटके समझो आते हैं या उसको उल्टियाँ होती है तो वो केयर लेते हैं, तो ज़्यादा नींद की भी गोली खा लिया कभी तो उसकी चिंता ना करते हुए, पैनिक ना होते हुए, बहुत ज़्यादा ना डरते हुए, शांति से रिलेटिव्स लोगों ने काम लिया तो धीरे 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 नींद की गोली का असर निकल जाएगा और 24 घंटे के अंदर वो उड़ जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम नींद का है, नींद 6 से 8 घंटे आना जरूरी है, कोई व्यक्तियों को 6 घंटे नींद लिया तो फ्रेश लगता है, कोई लोगों को 8 घंटे नींद लिया तो अच्छा लगता है, और ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि 6 से 8 घंटे नींद जो है वो अच्छी है और उससे आदमी दिन भर फ्रेश रहता है, मतलब हमारे पूरे हमारी जो ज़िंदगी है तो ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा हम नींद में हम व्यतीत करते डालते हैं, तो नींद बहुत ज़रूरी है, नींद लेने से हमारा हमारी पाचन क्रिया, पाचन संस्था भी अच्छी रहती है, बाकी भी फटीग नहीं रहता, दिन में प्रोडक्शन अच्छा रहता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, काम में कॉन्सेंट्रेशन होता है और नींद में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। नींद का यदि प्रॉब्लम शुरू हो गया समझ जाना कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, और उसके लिए डॉक्टर का इलाज करना, डॉक्टर को कंसल्ट करना और तुरंत उसका इलाज करते हैं तो बड़ी बीमारी होने से आदमी बच सकता है। ये हमारा वीडियो लोगों को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नींद का प्रॉब्लम है, लोग नींद की गोलियां खाते रहते हैं, अल्प्राजोलाम नाम का जो दवाई है, अल्प्राजोलाम या डाइजीपाम, अब अल्प्राजोलाम की जो दवाई है वो 0.25 मिलीग्राम की गोली मिलती है, 0.25, और लोग टनों से गोली खाते हैं इंडिया में, मतलब इतने लोग गोलियां खाते होंगे, प्रिस्क्रिप्शन के सिवा दवाई मिलती नहीं है, और तभी भी केमिस्ट के तरफ से दवाई कुछ ना कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेके बताई जाती है और ली जाती है, तो इसका सेवन करना खतरा हो सकता है, लत लग सकती है, दिमाग के ऊपर और बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर उसका गलत उसका मतलब दुरुपयोग भी हो जाता है, परिणाम भी हो जाता है, तो इसका सेवन करने से लोगों को बचाओ, लोगों को इन्फॉर्मेशन उसकी दो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये वीडियो शेयर करो, फेसबुक के ऊपर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी होंगी और लोग नींद के गोलियों के एडिक्शन से बचेंगे। हमारा मिशन जो है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी